चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। आज यहां पे बातचीत करेंगे हम पर्यावरणीय भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेंगे हम आज, जिसका नाम है रेनफॉल या वर्षा। यहां वर्षा के क्रम में हम ये बात देखेंगे कि वर्षा नामक चैप्टर से दो प्रकार के या दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, जो एक वर्षा के सहायक तथ्य होते हैं उससे संबंधित बनते हैं, जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं जो वर्षा के लिए आवश्यक या सहायक होते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि वर्षा के वितरण को। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लेकर के चलेंगे कि वर्षा के वे सामान्य बिंदु जो या वर्षा जिनके कारण होती है या जो वर्षा होने में सहायक होते हैं। तो दोस्त चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है कि हम क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे आपके कमेंट्स ले लेंगे। आप सभी को गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए बिल्कुल गुड इवनिंग। हम लास्ट में कमेंट आपके ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम आज का ये महत्वपूर्ण चैप्टर, आइए साहब इस क्रम में सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं आर्द्रता, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो एकदम स्पष्ट शब्दों में प्रश्न है कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है। तो वायुमंडल में या वायु में विद्यमान जो जलवाष्प की मात्रता को हम किसके नाम से जानते हैं? आर्द्रता के नाम से। एकदम सिंपल सा प्रश्न। फिर अगले लाइन की ओर अगर हम ध्यान दें तो साहब देखिएगा कि वायु में जलवाष्प की अपनी कुछ निश्चित मात्रा होती होगी, अर्थात कुछ निश्चित यहां पे इसका भाग होता है जो कि हमारे वायुमंडल में मिला होता है। तो अगर हम इस निश्चित भाग की बात करें तो जलवाष्प एक ऐसी वायुमंडल की मात्रा है जो कभी निश्चित नहीं होती। इस बात को एकदम स्पष्ट रखिएगा कि वायुमंडल में या वायु में जलवाष्प की मात्रा कभी निश्चित नहीं होती है। तो अगर निश्चित नहीं होती है तो हम सिर्फ इतना तय कर सकते हैं, अधिकतम और निम्नतम का औसत निकालते हैं। तो सबसे पहली बात ये पूछता है कि वायुमंडल में या वायु में जलवाष्प की औसत मात्रा कितनी होती है, तो इसकी औसत मात्रा होती है 2%। तो अब देखिएगा इसके आधार पे एक प्रश्न यहीं से कोरिलेट करके और बन जाता है कि यदि वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2% होती है तो यह अधिकतम कितना हो सकती है। तो अधिकतम अर्थात किसी भी दशा में अगर हम उष्णकटिबंध क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक तापमान सूर्य की किरणें आती हैं और सर्वाधिक मात्रा में तापमान के कारण जलवाष्प बनते हैं, वहां पर भी 4% से अधिक नहीं हो सकती है। साहब आगे आइएगा, आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पे है संघनन। अगर हम संघनन की बात करते हैं तो संघनन को हम ये देखेंगे किसे कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देखिए लिखा हुआ है कि जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन जल का करना ही हमारा क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब समझिएगा थोड़ा सा और व्यवहारिक बिंदुओं में, संघनन क्या है? ये विज्ञान का बिंदु है संघनन। आपने ये देखा जैसे कि भगोने में आप पानी को उबाल रहे हैं, तो भगोने में पानी उबालने के पश्चात आप भगोने में देखते होंगे कि एक ढक्कन आपने रखा हुआ है ऊपर, जलवाष्प उड़ा और ढक्कन से जाकर के चिपका और ढक्कन में जहां तापमान निम्नतम हुआ वह गैसीय अवस्था में जलवाष्प वापस जल के बूंदों के रूप में आप देखेंगे बूंद बूंद चिपका होता है। यही जलवाष्प से वापस तरल या ठोस के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। तो यही क्रिया हमारी पृथ्वी पर भी होती है कि तालाबों, नदियों, झीलों, समुद्रों इत्यादि जलाशयों से जब हमारा जल वाष्प के रूप में गर्म होकर के ऊंचाई पर उठता है तो आप ये जानते हैं, आप पहले के वीडियो में हमने बातचीत कर लिया है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पे 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस
तापमान हमारा क्या होता है, घटता जाता है। तो जैसे ही ये जलवाष्प हमारा ऊपर जाता है, तापमान घटने के कारण ये वापस जल के छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित होने लगता है, और यही परिवर्तित जल की बूंदें की जो क्रिया है ये हमारी क्या कहलाएगी साहब, संघनन कहलाएगी। आगे आइएगा कि आखिरकार संघनन क्यों और कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल में विद्यमान धूल, धुआं, समुद्री नमक, इनके जो कण होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं के माध्यम से, या देखिए समझिएगा कि धूल कण, धुआं, राख, जो विभिन्न महत्वपूर्ण वायुमंडल में ऐसे छोटे छोटे कण उड़ रहे होते हैं, जब जलवाष्प इनसे चिपकता है तो वहीं पे अवस्था परिवर्तन करने लगता है और हमारा संघनन की क्रिया होती है। तो हमारे संघनन में धूल, धुआं, समुद्री नमक इत्यादि हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हम बात करेंगे आपसे संघनन के प्रकार की, साफ ध्यान दीजिएगा संघनन के प्रकार की बात करेंगे तो देखिएगा कि एक यहाँ पे आप हमेशा सुनते होंगे कि ठंडियों के मौसम में, या अब धीरे धीरे मौसम जैसे हमारा बदल रहा है तो ओस की क्रिया हो रही है, अर्थात ओस गिरता है ऊंचाई से नीचे की ओर। तो ओस किसे कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं ड्यू, कि जब वायु का तापमान सामान्य से कम होने लगता है तो संघनित होकर ये जो जलवाष्प होता है छोटे छोटे बूंदों के रूप में पौधों के पत्तों पर जमा होने लगता है और यह ओस कहलाता है। आप समझिएगा थोड़ा सा व्यवहारिक बिंदुओं के साथ कि जलवाष्प की मात्रा जो वायुमंडल में विद्यमान है ये संघनित होकर एक सामान्य तापमान के कम होने से नीचे धीरे धीरे अंश के रूप में छोटी मात्रा में धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगती है, और ये पेड़ पौधों, घासों इत्यादि के पत्तों से चिपकी होती हैं, और ये जब हमारी धरातल पर आने लगती हैं बिछी हुई हमें बूंदों के रूप में छोटे छोटे, तो यह हमारा ओस कहलाती है। तुषार या पाला किसे कहते हैं साहब, ध्यान दीजिएगा, इसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। कह रहा है कि जब वायु का तापमान औसत से इतना कम हो जाता है कि वह सीधे बर्फ के कण के रूप में परिवर्तित होकर धरातल पर आने लगता है तो यह तुषार या पाला कहलाता है। समझिएगा साहब कि वायुमंडल में संघनन की वह क्रिया, वायुमंडल में संघनन की वह क्रिया जिसके माध्यम से जलवाष्प सीधे हमारा परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ये तरल रूप से सीधे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, प्रश्न में लिखा रहेगा या ऑप्शन में लिखा रहेगा हिम कण, छोटे छोटे हिम कण या बर्फ के कणों में परिवर्तित होकर जब ये वापस धरातल पर गिरने लगते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तुषार या पाला कहलाएगा। आगे आइएगा साहब, अगले क्रम पर हम देखेंगे कुहरा को, कि कुहरा किसे कहेंगे, अंग्रेजी में हम कहते हैं फॉग। तो हम फॉग की बात करते हैं तो साहब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूल कण व धुएं के साथ संघनित सूक्ष्म जल कण हमारा क्या कहलाता है, कुहरा। थोड़े से व्यवहारिक बिंदुओं के साथ साथ बातचीत करेंगे कि वायुमंडल में छोटे छोटे कण अर्थात धूल, धुआं, नमक, नमक के छोटे, समुद्री नमक के छोटे छोटे टुकड़े, ये सब हमारे वायुमंडल में साफ तैर रहे होते हैं। जलवाष्प जब इनमें लिपट करके, जब इनमें लिपट करके सामान्य रूप से हमारे क्षोभ मंडल के सबसे निचले परत में संघनित होकर के तैर रहा होता है, ध्यान दीजिएगा कि निचले परत में, सबसे निचले परत में अर्थात हमारे धरातल से प्रारंभ होकर के जब ये धूल कण, जल इत्यादि के साथ तैर रहा होता है जब हमारा जलवाष्प, तो यही हमारा क्या कहलाता है, फॉग या कुहरा कहलाता है। एक और देखेंगे हम यहाँ पे कुहासा या धुंध किसे कहते हैं साहब, अंग्रेजी में कहते हैं मिस्ट, कि कहते हैं कि कुहासा भी एक प्रकार का कुहरा ही होता है, लेकिन इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर
मतलब अर्थात यहाँ 1 किलोमीटर से अधिक होती है और 2 किलोमीटर से कम होती है। सबसे पहले समझिएगा कि कुहासा या धुंध जो होता है वह कुहरा का ही एक रूप होता है, लेकिन धुंध में देखने की क्षमता कुहरे में देखने की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात धुंध में 1 किलोमीटर से अधिक दिखाई देता है, लेकिन 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दिखाई देता है। जबकि कुहरे की स्थिति क्या होती है, कुहरा में 200 मीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को देख पाना कठिन होता है या संभव नहीं होता। ये प्रश्न यहाँ से बनता है, ये और ये यहाँ पे ये, इसको आप नोट करके रखेंगे कि कुहासा में देखने की क्षमता होती है 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में, कुहरे में देखने की अधिकतम क्षमता होती है 200 मीटर तक, इत्यादि बातें यहाँ पे। आगे बात करते हैं बादल के क्रम में, हम देखेंगे जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लाउड्स। देखिएगा साहब, बड़ी स्पष्ट सी लाइन है कि वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकण या हिमकण का जो झुंड होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बादल कहलाता है। समझिएगा कि वायुमंडल में संघनन के परिणाम स्वरूप जो धूल कण, राख, नमक के टुकड़े इत्यादि में छोटे छोटे जो बूंदें मिलती हैं, इनकी बूंदों का समूह या संग्रह जो हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में बनता है वही हमारा क्या कहलाएगा, क्लाउड या बादल कहलाता है। सब बादलों से प्रश्न थोड़ा सा और भी पूछता है, प्रश्न पूछता है कि ऊंचे मेघ का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, तो 6000 मीटर से लेकर के 12000 मीटर तक की ऊंचाइयों पर ऊंचे मेघ का विस्तार पाया जाता है। आगे देखिएगा मध्य मेघ, तो मध्य मेघ का विस्तार 2000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक पाया जाता है, और निचले मेघ का विस्तार 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो चलिए साहब, यहां से हम आपके कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, चलिएगा, और आप एक बार ये कमेंट करेंगे कि आपको वर्षा का यहाँ पे, हाँ एक बात और कि ये वर्षा का पार्ट वन था, अब यहां से अब वर्षा नामक चैप्टर का जो मूल जहां से प्रश्न बनता है अब आगे वहां से हम बात करेंगे जो वर्षा का वितरण की भारत में कहां ज्यादा कम, विश्व में कहां ज्यादा होती कम होती है, किस राज्य की क्या स्थिति है, कितने सेंटीमीटर, ये अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम यहां से आपके कमेंट ले लेते हैं, साहब कमेंट करिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, एक बार आप जरूर बताएंगे लेक्चर कैसा लगा। बिल्कुल आप कमेंट करेंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चले बिल्कुल, थैंक यू। चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल कमेंट आपके बिल्कुल। चलिए साहब, यहां पे हम आपसे बातचीत करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार इसको लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। आपको वर्षा के पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट डे मुलाकात करते हैं। थैंक यू।